स्वागतम स्वागतम आप सबका मोहित लाइव विद मोहित में आप सबका स्वागत है। कहाँ है जनाब, कहाँ है मेरी ऑडियंस, कहाँ पर है बताओ। ऑडियंस के बिना मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ, पहले बता देता हूँ। देखो मेरी ऑडियंस कहाँ पर है, कहाँ पर है मोहित की फैमिली। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले कमेंट से, जो कि है नेहल रवि तिवारी का। तो नेहल रवि तिवारी, हाय ब्रो, कैसा लग रहा है आपको, आपका आज पहला हाय है, पहली बार है, क्या बात है, पहली बार है, पहला हाय है। और फटाफट से सबके सब आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। नील पटेल का कमेंट आया, हाय निकिता गुहे, हाय आकाश गुप्ता, आकाश गुप्ता कह रहे हैं यही है वो, यही है वो। हाय मार्गिजानी, प्रिया नागपाल, सप्तऋषि बागची, हेलो कैसा है सब तू मेरा कॉलेज का जूनियर है, बहुत प्यारा सा और बहुत ही मतलब शानदार सा, मतलब बहुत टॉपर रहा है अपने टाइम पे कॉलेज का, अभी भी टॉपर ही होगा जिस भी कॉलेज में अभी एमबीए कर रहा है। हाय पीयूष लढ़ा, हेलो रोहन फलक, हाय माही बंसल। मार्गी जानी पूछ रही कौन सी अनाउंसमेंट है, बताओ बताओ, बताऊंगा पर पहले लाइव तो आ जाओ जी, सब लाइव आ जाएंगे, अभी तो लाइव जस्ट शुरू हुई है। तो एक अनाउंसमेंट है जो तुम सबको बतानी है मुझे, पर मैं बताऊंगा, पर उससे पहले आप सब आ तो जाइए जनाब। तो पाप्या वैद्य करी, हाय हाय पाप्या वैद्य, किसी का सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां। ऐसी मूड हो रहा है तो मैं गा रहा हूं, पर पहले लाइव आ जाओ। निधि पंचाल कह रहे हैं आप ऑल टाइम इग्नोर कर देते हो, सो प्लीज से हेलो। हाय निधि पंचाल, मुझे आपका कमेंट आज ही दिखा इसलिए, और तो मैं क्या कहूँ। आशुतोष राय कह रहे हैं और भाई यही हूं मैं, हाय आशुतोष भाई। तो अब जब आप सब लाइव आ ही चुके हैं, तो अनाउंसमेंट कुछ यूं है कि एक शॉर्ट मूवी बनी है, रिटर्न ऑफ इडियट करके, ROI। तो उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है जिसका नाम है अकेले। और ये जो शॉर्ट मूवी का जो प्रमोशन कर रही है टीम, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मतलब ऐसा करके हमारा ये सॉन्ग है अकेले इस शॉर्ट मूवी का, इसे आपके वर्जन का कुछ आप प्लीज़ इसको गाइए और आपके जितने भी लोग हैं उन सबको सुनाइए। तो बात कुछ ऐसी है कि उस ये जो बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है अकेले, उसका एक वर्जन अपन ने भी गाया है और प्रिपेयर किया है तुम सबके लिए। और जैसा कि तुम सबको बताया स्टोरी सॉन्ग, मोहित के स्टोरी सॉन्ग के बारे में तो तुम सबको पता ही है ना, तो वैसे ही एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में तुम सबको पता होगा या नहीं भी पता होगा, मुझे बताओ कमेंट्स में, क्या तुम्हें द रूम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता है। माय रूम प्रोजेक्ट पता है क्या, स्टोरी सॉन्ग के बारे में तो पता है, माय रूम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता है क्या नहीं। पहले मैं तुम्हारे कमेंट्स का वेट करता हूँ, अगर पता होगा माय रूम प्रोजेक्ट के बारे में तो क्या ही बताऊँ, छोड़ो आगे बात करते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो तुमको माय रूम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो माय रूम प्रोजेक्ट जो है ना, उसके अंदर अच्छा स्टोरी सॉन्ग पे तो अपन सिर्फ अपने सॉन्ग करते हैं, जो अपने मोहित के स्टोरी सॉन्ग हैं, जो अपने स्टोरी सॉन्ग हैं, जो अपने गाने हैं। माय रूम प्रोजेक्ट में अपन जो कहते हैं ना, जैसे एक स्पेशल वर्जन बनाना, कवर बनाना, तो उस तरह का अपन करते हैं। तो फर्स्ट माय रूम प्रोजेक्ट आया था आज से कुछ टाइम पहले, जिसका नाम था हमारी अधूरी कहानी का स्टोरी वर्जन। तो ये माय रूम प्रोजेक्ट का सेकंड सॉन्ग रहेगा और इसका नाम है अकेले, और ये शायद तक कल नहीं तो परसों तुम सबके सामने आ जाएगा। तो ये थी मेजर अनाउंसमेंट, और ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, और ये एक माँ और उसके बच्चे के रिलेशन के ऊपर है। और इसके बारे में लास्ट लाइव चैट में तुम्हें बताया भी था थोड़ा बहुत, तो अभी तो कल परसों में सुनने को ही मिल जाएगा, बताओ ज़रा। तो ये थी मेजर अनाउंसमेंट कि कल परसों एक नया माय रूम प्रोजेक्ट का सेकंड, ये मान लो माय रूम प्रोजेक्ट 2 आने वाला है,
अभी जल्दी। और स्टोरी सॉन्ग की बात करें तो मैंने एक पोस्ट डाली थी अभी कल परसों की, एक वहीं अपना एक नेक्स्ट स्टोरी सॉन्ग का, नेक्स्ट स्टोरी सॉन्ग मतलब कह सकते हो उसको, स्टोरी सॉन्ग का ही एक सॉन्ग है वहीं, वो भी अपन ने रिकॉर्ड कर दिया है अभी 3-4 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा ऑडियो। तो उसका शूट दिसंबर में प्लान करा है हमने, तो दिसंबर में अगर प्लान करा है शूट, और शूट कहाँ होगा कैसा होगा वो मैं तुमको पोस्ट करता रहूँगा जब शूट ले जाएंगे। तो दिसंबर में शूट प्लान्ड है इसका, जनवरी फर्स्ट वीक तक रिलीज हम सोच रहे हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक तक इसको रिलीज कर दें वहीं स्टोरी सॉन्ग को। और उससे पहले अकेले माय रूम प्रोजेक्ट 2 आने वाला है तुम सबके लिए, कल या परसों में आ जाएगा। तो बस आई होप तुम सबको पसंद आए। अच्छा अच्छा बहुत बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सॉन्ग है अकेले। थोड़ा सा सुनाऊं क्या तुम सबको? तुम सबको सुनना है तो बताओ, अकेले जो माय रूम प्रोजेक्ट 2 है वो क्या तुम सबको सुनना है? कमेंट करिए प्लीज, सुनना है तो सुना दूंगा, नहीं तो तुम कल का वेट भी कर सकते हो। पापिया बेटी कह रही है वाओ आई एम सो एक्साइटेड, ऐसा है क्या पापिया? यार मैं भी एक्साइटेड हूँ, मतलब मुझे भी बहुत वेट है कि तुम सब वो गाना सुनो और तुम सबको कैसा लगे तुम सब बताओ मुझे। और पूजा सिंह कह रही है हेलो डियर। तानिया कह रही है वेटिंग फॉर ऑल योर न्यू सॉन्ग्स। रागिनी उक्त कह रही लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रांची, थैंक यू रागिनी। शशांक गौर कह रहे सर प्लीज सिंग, दिल से पुकार दो, इट्स अ रिक्वेस्ट। अरे एक और शानदार बात हो गई है जी, शानदार बात ये हुई कि फिर मुझे दिल से पुकार तू 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। मतलब बताओ 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है फिर मुझे दिल से पुकार तू। यार वो तो अलग सी लाइव चैट डिजर्व करता है और अलग सा कुछ बात डिजर्व करता है। तो मार्गी जानी कह रही है सुनाओ जल्दी, नील पटेल भी कह रहे हैं सुनाओ सुनाओ। तो मैं सोच रहा हूँ गाना तो तुमको कल परसों सुनने को मिल ही जाएगा, कल नहीं तो परसों, मतलब कल के कल में। आज मैं सोच रहा हूँ उसकी जो छोटी सी स्टोरी है अकेले की वो तुमको सुनाता हूँ, जो मैंने लिखी है थोड़ी सी पोएट्री। वो ये है कि भूलो तो कभी ये आसमान भूलना, चांद तारों के अरमान भूलना, घर अपना अपना मकान भूलना, तुम कौन हो क्या हो ये गुमान भूलना, बस ये ना भूलना कि अकेले आ गए थे हम तो बिन बुलाए, अकेले आ गए थे हम तो बिन बुलाए। इसके बाद का तो कल ही सुनने को मिलेगा, इसके बाद का तो कल ही सुनने को मिलेगा। अभी अभी ये मैंने इतना ही सुनाऊंगा मैं, नहीं तो कल का सॉन्ग का मजा किरकिरा हो जाएगा ना, इसलिए। तो ये इसकी छोटी सी पोएट्री थी और ये छोटा सा सॉन्ग की लाइंस। तो कल आपको ये सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा, कल नहीं तो मैक्स टू मैक्स परसों पक्का, मतलब कल के बाद वाला कल, कल आज कल और कल। तो माय रूम प्रोजेक्ट 2 आने वाला है, तो ये थी अपनी मेजर अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब तुम बताओ कैसे हो तुम सब? अरे नहीं, कैसे हो तुम सब से पहले ये बताओ तुमको ये कैसा लगा, ये छोटी सी पोएट्री और छोटा सा ये सॉन्ग की जो 2-3 लाइनें थी वो कैसी लगी तुम सबको? मेगा कनूर कह रही है, मेगा कनूर निक्की कह रही है वाओ सो लवली। शहजादा चीकू कह रहे हैं लव दिस सॉन्ग, अरे बड़ा शानदार नाम है तुम्हारा चीकू भाई, अपना चीनू है तुम्हारा चीकू है बताओ। तो वासुदेव कह रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम आपको लाइव सुनना। अच्छा आप रेगुलर लाइव आया करो वसुदेव भाई, आप है ना अपना हर संडे नहीं तो हर वीक लाइव होता ही होता है। अगर मैं कभी संडे को नहीं आ पाऊँ लाइव तो मंडे को तो ज़रूर आता हूँ, नहीं तो किसी भी दिन ज़रूर आता हूँ, कोशिश करता हूँ लाइव आने की। तो आप प्लीज़ संडे लाइव या मंडे लाइव या लाइव इन मोहित आप अटेंड किया करिए। और पापिया कह रही हैं ऑसम, थैंक यू पापिया। थाने कह रही हैं लवली कांट वेट, बस यार मैं भी इसी का वेट कर रहा हूँ कैसे ये सॉन्ग जल्दी से तुम सब सुनो और बताओ कैसा लग रहा है। पूरा सुनाऊंगा, अभी थोड़े दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है मतलब।
और अक्षिता माहेश्वरी के लिए आई एम से अगेन एंड अगेन प्लीज सिंग कपकेक वन मोर प्लीज. ऐसा क्या यार, कपकेक तो हर लाइव चैट में मतलब आज सुनाता ही हूँ मैं. चलो ठीक है. कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे महक तेरे पास में गुलाब हो. कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कप केक है. कि तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास दूं. कि दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है, मेरा प्यारा दुलारा कप केक है. तो अरे रिया मंडल कह रही यू आर सो क्यूट. थैंक यू रिया, थैंक यू यार. और जिया इकबाल कह रही है फर्स्ट टाइम लिसनिंग यू लाइव, आई कांट बिलीव दिस, वरना हमेशा रिकॉर्डेड ही सुनती हूँ. है ना, मुझे ऐसा लगता है यार कई बार कि संडे को ना, संडे को अपन लाइव रखते हैं तो होता क्या कि संडे को मैं भी कई बार बाहर चलाता हूँ घूमने के लिए दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, और तुम सब भी शायद जाते होगे. मंडे को थोड़ा फिर भी फ्री रहता है कि हाँ चलो अब सारा मंडे का अपने जो काम था, किसी को जॉब से फ्री होता है तो जॉब से फ्री हो जाते हैं शाम को, किसी की स्कूल या पढ़ाई या कॉलेज से फ्री होता है तो वो भी फ्री हो जाता है शाम को. तो मंडे को मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा लोग लाइव आना आ पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो अपन अगर तुम सब कहो तो यार संडे लाइव की जगह मंडे लाइव विद मोहित भी कर सकते हैं, या मतलब किसी और दिन अगर तुम सब भी संडे को फ्री नहीं रहते हो तो. क्योंकि मैं भी कई बार संडे को ना थोड़ा बिजी रहता हूँ, मंडे को थोड़ा फिर भी ऐसा रहता है कि हाँ यार चलो काम वाम हो गया अब जल्द अब लाइव चैट करते हैं. ऐसा सा होता है मेरे साथ में. गुप्ता सांधे कह रहे हैं ऑलवेज दिस सॉन्ग ऑसम, थैंक यू संध्या. शंतला पाटिल कह रहे कपकेक लव दिस सॉन्ग, थैंक यू शंतला. पापिया बैद्य ने लास्ट टाइम भी पूछा था आज जाने की जिद ना करो गा दो. इसने पहले लास्ट टाइम भी यही बोला था और अभी भी यही. तो ऐसा क्या हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने के जिद ना करो, आज जाने के जिद ना करो. यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने के जिद ना करो, आज जाने के जिद ना करो. तान्या कह रही है जहन अजीब सुना दो. जहन सीब नसीब तुझे चाहूं बेतहाशा जहन सीब. अरे यार ये गाना मैंने इश्क अनप्लग में गाया था और मैं भूल गया, मतलब भूल गया, दिमाग से एकदम से स्किप हो गया है गाना. मैं मतलब परफॉर्म भी किया है. तेरे हर बेशुमार है मेरे करीब, मेरे करीब तुझे चाहूं बेतहाशा जहन सी. भूल गया यार, अगर ये गाना याद होता तो मैं पक्का गाता तुम सबके लिए. तो
ऐसे ना देखो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं, जैसे पहले कभी देखा ही नहीं, ऐसे ना देखो, ऐसे ना देखो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, ना दिलासा ना भरोसा ना वाह वाह ना हमदर्दी ना सपना ना सोहबत, ऐसे ना देखो, ऐसे ना देखो। मेरे प्यारों, अभी ना मेरा टाइम है जाने का, अगले हफ्ते अगले वीक फिर से आने का। और याद रखो, ये जो मेजर अनाउंसमेंट है ये कल नहीं तो कल के कल में आ ही जाएगी तुम सबके पास में। और इसका नाम है अकेले, हैशटैग माई रूम प्रोजेक्ट 2। तो ये थी अपनी मेजर अनाउंसमेंट, और अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। मुझे ये ज़रूर बताना कि ये सॉन्ग कैसा लगा, पर उसके लिए तुमको सॉन्ग सुनना पड़ेगा और उसके लिए मुझे सॉन्ग अपलोड करना पड़ेगा। तो कल नहीं तो कल होने वाला है। तो दैट वॉज दी मेजर अनाउंसमेंट, और अभी टाइम है जाने का। तो मेरी जाने वालों, बाय, टेक केयर, एंड आई लव यू है जी, आई लव यू अ लॉट, एंड प्लीज टेक केयर। फिर मिलते हैं जल्दी, बाय। आई लव यू कह दो, फिर जाता हूँ यार। यार मुझे ऐसा लग रहा है ना, आज मैंने पता है बात बात में ना, मतलब मैंने गाने भी गा दिए, इच्छा कर गई, लेकिन मैंने बात नहीं कर पाया तुम सबसे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ रुक जाऊँ। बात यार तुमसे बात करनी रह गई यार, मतलब पता है मुझे ऐसा लग रहा है बात ही नहीं कर पाया अपन, मतलब बताओ। नहीं यार रुक जाता हूँ मैं थोड़ी देर, मतलब अपन उसके लिए मैं चार्जिंग पे भी लगा देता हूँ फ़ोन को, थोड़ा सा बैटरी की दिक्कत है। तो अभी 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 अब अपन बातें करते हैं एक बार। मैंने सारी अनाउंसमेंट कह दी, मैंने गाने गा दिए, मैं तुमसे जो बात नहीं कर पाया, तो अभी अपन बातें करते हैं, ठीक है? थोड़ी सी देर बातें करते हैं। तो अभी तुम सब बताओ, तुम सब की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मज़े, क्या सब कुछ, जो भी तुम्हारे दिल में हो, कुछ भी तुम शेयर करना चाहते हो, कुछ भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। फॉर एग्जाम्पल, गाना गाऊँ, डांस करूँ, एक्स वाई जेड, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, कुछ भी करने के लिए बोल सकते हो तुम मुझे। तो अभी मैं तुम सब की सुनना चाहता हूँ, तो तुम सब बोलो जो भी तुम्हारे दिल में, जो तुम शेयर करना चाहते हो। कमेंट में नहीं बोल सकते हो तो मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा मैसेज का रिप्लाई करने का जितना ज़्यादा हो सके। तो ठीक है, अभी अभी आप तुम सब बताओ, तुम सब बात करो, तुम सब बोलो, ठीक है? बिंदास होके एकदम टेंशन फ्री, अपने दिल की बात शेयर करनी हो शेयर करो, कुछ कहना हो तो कह दो। जैसे कि अमन मालवी कह रहे लव यू मोहित ब्रो, शालिनी दास कह रहे हैं हाय मोहित, आई लव यू एंड लव योर सॉन्ग्स, थैंक यू शालिनी, थैंक यू। तो अभी अब तुम सब बताओ, तुम सब अपने बारे में बताओ, तुम्हारा कैसा गया ये हफ्ता, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। और पीओ मैक प्रतरॉय कह रहे हैं भैया आप क्या अभी जयपुर में हो? नहीं मैक ब्रो, मैं मुंबई में हूँ। और राखी प्रधान कह रहे हैं एक सॉन्ग गाओ ना प्लीज। कौन सा सॉन्ग राखी, आप बताओ, आपको कुछ भी सुनना हो तो आप बताइए मुझे। और राहुल कुमार कह रहे हैं इश्कन प्लग सॉन्ग गा दीजिए। अच्छा इश्कन प्लग, हो मुंबई की बंदी ठोट लत रंगी, हेयर स्टाइल में जीरो गाती बेढंगी,
इसको चाहिए सब परफेक्ट है, खुद में इतने इतने सारे डिफेक्ट है, दुनिया से डिस्कनेक्ट है, बस म्यूजिक से कनेक्ट है। मिल जाए अगर तो पूछूंगा इसे, आज नहीं तो कल। करती क्यों है क्यों है क्यों है, घंटों तू इतना गार्गल, गाना वाना तेरे बस की नहीं, समझे खुद को ना इधेंगल। इश्क अनप्लग्ड तो इश्क अनप्लग का टाइटल ट्रैक था जो ऐसे गाया था। अरे बहुत सारे हंसने के और दिल वाले स्माइलीज आ रहे हैं, तो थैंक यू उसके लिए। तो अच्छा अच्छा ये तो तुम्हारे लिए मैंने गा दिया राहुल ब्रो, अब बताओ और क्या करना है तुम सबके लिए, क्या है कुछ भी तुम कह सकते हो, करने के लिए कह सकते हो, तुम बात कह सकते हो मुझसे। मुझे बस तुमसे बात करनी थी यार, वो करनी रह गई थी तो मुझे ऐसा अपन वो कर रहे हैं। तो आरुषि कह रही है मोहित मेरी तबीयत खराब हो गई यार, देन ऑल्सो आई एम अटेंडिंग योर लाइव। थैंक यू आरुषि, और यार तेरी तबीयत आई होप जल्दी से ठीक हो जाए, नहीं भी हो तो बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ बढ़िया तबीयत हो खराब होती है ना कभी कभी, तो रेस्ट करने को मिलता है, मतलब सारे काम काज साइड में हो, आराम से रेस्ट करो बेड पे, आराम से अपनी फेवरेट बुक पढ़ो, अपना फेवरेट लाइव चैट देखो, गाने सुनो, कुछ भी करो, मतलब ये मस्त होता है, बढ़िया चीज़ होती है। शशांक कह रहे हैं सर आई हैव लिसन दिल से पुकार तू मोर देन 100 टाइम्स सर, प्लीज सिंग दिस लाइव। अच्छा फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। चित्रांश कह रहे हैं वहीं सुना दो, बड़ा चालू है चित्रांश, जिसने वहीं सुन रखा है, मैंने उसको वहीं सुनाया था जब हम मिले थे, और ये अब वहीं के लिए कह रहा है नहीं नहीं वहीं अभी नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा वहीं नहीं, अभी उस पर वर्क चल रहा है ना, अभी तो 3-4 दिन में ऑडियो कंप्लीट होगा, उसके बाद में वीडियो शूट चालू होगा दिसंबर में, थोड़ा वेट कर यार चित्रांश, थोड़ा सबर का फल मीठा होता है, और ये तो बहुत ही ज्यादा मीठा होने वाला है, मतलब ये वाला फल तो। और रंजीत कहने सर मैं लिरिक्स हूँ, मेरा गाना गाओगे, मतलब वो लिरिक्स राइटर हैं और वो पूछ रहे हैं आपका गाना गाएंगे आप, प्लीज़ मुझे आपके लिरिक्स सेंड कीजिए, और अगर मुझे पसंद आया तो देखते हैं। वैसे सच बताऊँ तो यार मैं ना अभी खुद ही के लिरिक्स पे वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत मुश्किल है अपने जो लिखे हुए लिरिक्स हैं और सॉन्ग्स हैं उन सबको आप सबके सामने लाना, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम का क्लैश हो जाता है, क्या करूँ, मेरी इच्छा करे तो मैं आज के आज सारे के सारे गाने तुमको सुना दूँ, पर नहीं नहीं थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उनको अच्छे से रिकॉर्ड करके, अच्छे से वीडियो शूट करके तुम सबको सुनाना, इसलिए थोड़ा सा वेट है उन सब सॉन्ग्स का, पर आप लिखते जाइए ब्रो, और एक दिन ज़रूर हम साथ में काम करेंगे। और तरुण यदुवंशी कह रहे हैं भैया मुझे आपकी एक पिक सेंड कर दो ना प्लीज़। अरे तरुण ब्रो अपने फेसबुक पेज पर बहुत सारी पिक्स है अपनी, एक नहीं बहुत सारी, मेरा तो काम ही क्या है, पिक्स अपलोड करना, सॉन्ग्स अपलोड करना, लाइव चैट करना, बस इतना ही। और तानिया गिर कह रही है मेरा स्कूल इंटर्नशिप इस थर्सडे को ख़त्म होने वाला है, मिक्स फीलिंग है, विल मिस द स्टूडेंट्स। अरे ये तो मतलब थोड़ी वैसी बात कर दी नॉस्टैल्जिया वाली। और कमल चौधरी कह रहे हैं खाली खाली दिल न्यू सॉन्ग अरबाज भाई की मूवी का आपकी आवाज़ में हो जाए तो अजीब हो जाता। तो कमल चौधरी अपने बहुत ही प्यारे भाई हैं और बहुत ही अमेजिंगली टैलेंटेड सिंगर हैं, और कमल भाई मुझे खाली खाली दिल मुझे आता नहीं सॉन्ग, नहीं तो मैं आपके लिए पक्का गाता, कोई और सॉन्ग आप बताइए मैं आपके लिए ज़रूर गाऊंगा। और आरजू इमरोज कह रहे हैं लव यू, अच्छा आई लव यू टू। हिमांशु शर्मा कह रहे हैं प्लीज सर डेस्पासीटो सॉन्ग गा दो। अरे यार अब बताओ हिंदी इंग्लिश काफ़ी नहीं थी जो तुम्हें, मतलब ये स्पेनिश गाना भी सुनना है मुझसे, मुझे डिस्पासिटो की पूरा गाना तो आता नहीं, बस भाई एक ही लाइन आती है जो बहुत ही शानदार और सबको आती है, मतलब उसके अलावा की डिस्पासिटो इतना ही आता है मुझे यार, और बाकी तो मैं मतलब रेप ही करता हूँ गाने के इसके लिरिक्स का, Despacito, इतना ही क्या करूं।
मैं रह गया यार, स्पैनिश सीखता मैंने, क्यों फ्रेंच सीखी मैंने कॉलेज में, वो भी आधी अधूरी। अरे फ्रेंच सॉन्ग मुझे आता है थोड़ा बहुत, तुम फ्रेंच सॉन्ग सुनना चाहो मुझसे तो कभी सुना सकता हूँ। मैंने कॉलेज के टाइम में फ्रेंच सब्जेक्ट लिया था फॉरेन लैंग्वेज में, और मुझे फ्रेंच थोड़ी बहुत आती है। कमा सावा सावा प्यो रम आपेल मोहित गौड़, बस इतना ही आती है भी। और गाना आता है एक फ्रेंच सॉन्ग। तो शुभांगी निकल जी कह रहे हैं लव यू, यू आर सो क्यूट, थैंक यू यार। रोशनी कह रही मलयालम सॉन्ग कब सुनाओगे मोहित? पता है आज मैंने कपकेक बनाया अभी आना खाने के लिए, मलयालम सॉन्ग। अरे यार तुमको कैसे बताऊँ, मेरा एक सॉन्ग है, एक स्टोरी सॉन्ग है जो जिसमें मलयालम भी मैंने यूज़ करी, क्योंकि मेरा एक लाइफ का एक बहुत बड़ा क्रश थी जो जिसकी मतलब लैंग्वेज मलयालम थी, मतलब मदर टंग मलयालम थी, वैसे वो हिंदी ही बोलती थी। और तो मैंने उसके लिए बनाया था वो सॉन्ग आज से एक दो साल पहले। तो वो भी सुनाऊंगा कभी, सीक्रेट है, अभी नहीं सुनाऊंगा जी। प्रियांशी सोनी कह रहे हैं धीरे धीरे दिल से पुकार तू। अरे गा दिया मैंने धीरे धीरे दिल से पुकार तू और फिर दिल से पुकार तू, दोनों के दोनों। कमल कह रहे हैं अच्छा कोई ऐसा सॉन्ग जो मम्मी लोग गाते हैं ना शादी में, उस टाइप वाला मजा आ जाएगा। हा हा हा। अच्छा कमल, मेरे को पता नहीं ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में या सीरियसली कह रहे हैं। कोई शादी वाला सॉन्ग, शादी वाला, अरे शादी वाला सॉन्ग तो वो बड़ा मस्त लगता है मुझे। अरे मुंडा साडा नहीं, अरे मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है, ढोंगी सा ये बड़ा ढीट, पर वायरल हो गया वही ट्वीट ट्वीट, पर फूल वूल करने में कूल, तू बड़ी तेज कटारी है, शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर ली तैयारी है, नच देने सारे रल मिल के आज, हिल टुल के आज सारे के सारे नजारे खसमानू खाने। तो ये कमल चौधरी, ऐसा कुछ गाना आता है मुझे। नयन वर्मा कह रहे वन थिंग इज योर नेचर इज डाउन टू अर्थ, ऐसा क्या? थैंक यू नयन भाई, आपने मतलब आपको अच्छा लगा, मतलब ऐसा ही है अपन तो, ऐसे ही है बस अपने, डाउन टू अर्थ क्या, अपनी फैमिली है यार ये, और बोलने के लिए फैमिली नहीं है भाई, तुम सबको दिल से मानता हूँ और हमेशा मानूंगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार ये, मतलब ऐसा कभी बार लोग कहते हैं ना सेलिब्रिटी हो गए आप तो ऐसा करेंगे, अरे यार क्या, मैं कॉलेज जा रहा था तुम सब जैसा ही तो था, एक बार टीवी पर आ गया था उसका मैं थोड़ा कि मतलब सेलेब हो गए जी, है नहीं ऐसा नहीं, इंसान वही है, वही क्या कहते हैं उसको, मिट्टी का बना हार्ड मास का बना वही इंसान है, बस वो टीवी पे आ गया इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है, अपन वही है यार वैसे के वैसे, सेम टू सेम। बताओ मेरा तो वेट भी नहीं बढ़ा, दाढ़ी ज़रूर आ गई है। वो तो क्या है, मैं पहले दाढ़ी शेव करके रखता था, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ बिना दाढ़ी मूछ के, मतलब मूछे थोड़ी थोड़ी, मुझे ऐसा अंदर से फील आती थी यार ये दाढ़ी तो यार अच्छा नहीं लगता अपन पर, अभी ऐसा लगता है सही है भाई, ठीक है बढ़िया है दाढ़ी मूछे भी यार, आ रही ना आनंद, कौन काटने जाए, आलस आता है मुझे कभी कभार, कौन जाए यार सलून को ट्रिम व्रिम करवाए शेप में लाए, अपन क्या है थोड़े से आलसी रह गए इस मामले में। गाना गाता हूँ मैं गाना बढ़िया से, गाने में होना था इसमें अपना कोई आलस नहीं है, गाने गाने में कोई आलस नहीं है, आप बिंदास। मेरे पाओ कहते हैं एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं भन्नाट, भन्नाट गाता हूँ गाने वाने तो अपने, यार चलते रहने चाहिए लाइफ में गाने वाने। साकेत सूर्यवंशी कह रहे हैं अभी भी नो शेव नवंबर मना रहे हो क्या मोहित भाई? नहीं यार साकेत ब्रो, नो शेव नवंबर तो भाई मैंने मनाया ही नहीं कभी, सच बताऊं तो अपना तो क्या है, जब रास्ते में कोई सलोन दिख गया तो वो कटवा ली, सही करवा ली, नहीं दिखा तो भाई चलते रहो जिंदगी, अपने ऐसे भी अपन दिखते ही हैं ऐसे सही। आरुषि कह रही है प्लीज सिंग मोहित ओ मामा। अच्छा ओ मामा माय बेबी, जितनी सारी खुशियां सब तूने ही दी है, सबसे प्यारी भोली भाली, छोटू सी तो गुड़िया है सबके लिए, ओ मामा माय बेबी, ओ मामा माय बेबी, तू जो हंसती है खेल, बस इतना ही आज इतना ही।
इसको इसको पूरा सुनने के लिए आप देख सकते हैं मोहित का यूट्यूब चैनल मोहित के ही नाम से, जिसपे है मौ मामा बेबी समेत तीन स्टोरी सॉन्ग, तीन 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 तीन। अच्छा अब मैं जाता हूँ यार, अब मैं जाता हूँ और मैं थोड़ा और रियाज करता हूँ और थोड़े गाने पे वर्क करता हूँ। अरे स्मृति के आर का आ रहा, यू आर द स्वीटेस्ट स्मृति। स्मृति का इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है और इन्होंने मुझे मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे, और ये बहुत ही प्रिटी बहुत ही क्यूट इंसान है ये, और ये दिल्ली से हैं मुझे याद है। और भगवत ल्यूटल कह रहे हैं आई एम फ्रॉम यूएसए प्लीज सिंग अ सॉन्ग। अब बताओ अपने यूएसए वाले दोस्त के लिए कोई गाना गाए थे गाएं क्या जाते जाते? तुम बताओ यार यूएसए वाले दोस्त के लिए कौन सा गाना गाना है, अपना दोस्त आया है यूएसए से, बताओ कौन सा गाना सुनोगे ब्रो जाते जाते? कोई एक मैं मेरी पसंद का कुछ सॉन्ग सुना देता हूँ, देखो अब तुम सब कमेंट करने में तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो जाते जाते एक एक सॉन्ग कौन सा आरती ने कहा लाखों निगाह में, ठीक है लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहा। तो बस इसी के साथ टाइम है जाने का, तो मेरी जाने मानो आई लव यू है जी, बहुत ही सारा वाला प्यार है, मतलब इतना भी नहीं, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, बहुत सारा प्यार है और हमेशा रहेगा तुम्हारे इस दोस्त की तरफ से, सेलेब्रिटी नहीं दोस्त, जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए भाई, अपन बिड़ू लोग हैं, अपन भाई लोग हैं, अपन दोस्त लोग हैं, समझे क्या मोहित? और मोहित की प्यारी सी फैमिली, तो इस प्यारी सी फैमिली को बहुत सारा आई लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जाने वालों बाय बाय।